ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई एम ऑडिबल और नॉट? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन. जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है. और जल्दी से जल्दी मैम को बता दीजिए, यू आई एम ऑडिबल और नॉट? यस. ओके, जल्दी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए एंड कमेंट्स में डालिए, मैम ऑडिबल और नॉट? ओके, माय साइड आई एम ऑडिबल. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन, दैट इज अ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 5. ओके, आई एम ऑडिबल. आप अपना बता दीजिए, मैम ऑडिबल हैं या नहीं आपको? ठीक है, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस साइड शालू सांगवान, योर सोशल साइंस एजुकेटर फ्रॉम सीबीएसई स्पेशल. तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सके और अपना जो लास्ट पार्ट है आज हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का, इसको कंप्लीट कर सके. क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. अब तक हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा है, उसकी स्पीसीज़ के बारे में हमने पढ़ा है, कंजर्वेशन हमने पढ़ा है कि कंजर्वेशन कैसे करनी चाहिए. ठीक है, आज भी हम कम्युनिटीज़ और कंजर्वेशंस की कुछ बातचीत करेंगे. वो सारे टॉपिक्स जो लास्ट में वो छोटे छोटे हैं और गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनके बारे में हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. और ये आपका लास्ट पार्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा. क्लियर सभी को? तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं तो हमें उनको कंजर्व करना चाहिए, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं हम, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे. देखिए, सबसे पहले इसने टाइप्स बताया है कि टाइप्स होते हैं फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं. एक आपका बताया गया है रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं आपके, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं. ठीक है, अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से होते हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं. ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिजर्व फॉरेस्ट की, अगर हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 1.5, ठीक है, 1.5 जो पार्ट है वो रिजर्व्ड है हमारे यहाँ पर. ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. और ये क्या होते हैं, ये फॉरेस्ट में क्या किया जाता है, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं और इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड. क्लियर, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कुछ नहीं है, जैसे कि एंटर नहीं कर सकते, वहाँ से फूड नहीं ले सकते, टिम्बर्स नहीं ले सकते. ठीक है, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी ह्यूमन की, वो कोई भी जाकर फॉरेस्ट में कंप्लीट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही एंटर कर सकते हैं. तो बैन है ह्यूमन का फॉरेस्ट के अंदर एंटर करना. कौन से फॉरेस्ट के अंदर? रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर. क्लियर, उसके बाद बोला गया है कि जो आपकी ये सबसे वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एरिया. वो एरिया कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं. ठीक है, हम स्टेट देख लेते हैं, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा ये रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं. वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं देखिए, पहली स्टेट्स आपकी है वेस्ट बंगाल. क्लियर, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र. आपको महाराष्ट्र दिखाई नहीं दे रहा, तो जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, देखिए महाराष्ट्र,
क्लियर। उत्तराखंड, और इसके अलावा और भी बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पर ये थोड़े थोड़े रिजर्व फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लियर यहां तक? अब आपको क्या क्या चीजें इसमें याद रखनी है, सिर्फ मैंने वही आपको बताया। अगर पूछा जाता है कि कितना पार्ट जो है फॉरेस्ट का कवर्ड किया हुआ है, 1.5 जो पार्ट है हमारे इंडिया में वो रिजर्व फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है, मतलब आधा पोर्शन, ठीक है, अगर टोटल जो एरिया है उसका हाफ, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है कि जो इसको कंट्रोल करता है, इसको ओन्ड किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है, और इसके अंदर इसको बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ये एरिया बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है। और ये कौन सी स्टेट्स में पाए जाते हैं फॉरेस्ट? वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, और महाराष्ट्र में और उत्तराखंड में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? अब देखते हैं हम नेक्स्ट फॉरेस्ट की बात अगर हम करते हैं, दैट इज़ अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, इसका कम से कम 1/3 हिस्सा आपका इंडिया में अगर मिलेगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मिलेगा, क्लियर। 1/3 पार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ने, फॉरेस्ट वहाँ पर है, ठीक है, 1/3 हिस्सा इसने कवर कर रखा है, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसको किसके द्वारा ऑन किया जाता है? ऑन्ड बाय गवर्नमेंट, इसको भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, ठीक है, देखा जाता है, संभाला जाता है, इसकी केयर की जाती है, गवर्नमेंट ही सारे काम देखती है। नेक्स्ट इसने क्या बोला है कि जो लोकल एरिया के लोग होते हैं, जो लोकल पीपल होते हैं, लोकल पीपल आर अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड and grazing their livestock, clear? और क्या हो सकता है? But human activity activities भी लिख सकते हो आप, activities are still monitored। हमने पढ़ा था ना monitored किसको बोला जाता है, monitored उस वर्ड को बोला जाता है जहाँ पर लोकल जो लोग हैं उनको एंटर दिया जाता है फॉरेस्ट के अंदर, जो टूरिस्ट होते हैं या दूसरी जगह से जो लोग आए हैं उनको एंट्री नहीं मिलती, उनको बोलते हैं monitored, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो एरिया है वो 1/3 कवर किया हुआ है, 1/3 टोटल फॉरेस्ट एरिया का है, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट भी इसको बोला जाता है, ठीक है, लार्जेस्ट भी इसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट एरिया इन फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, और इसको ऑन किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो फॉरेस्ट के अंदर जा सकते हैं अपनी फूड के लिए मैंने फूड लिख दिया, यहाँ पर आएगा वुड, ठीक है, फ्यूल वुड के लिए, ठीक है, और ग्रेजिंग के लिए, देर लाइफ स्टॉक्स के लिए, जो भी उनको जीने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए वो जा सकते हैं, ठीक है। बट ह्यूमन एक्टिविटी में क्या बोला है कि जो बाहर के लोग हैं वो वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताइए, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ स्टेट्स में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो उन स्टेट्स को आपने याद रखना है, ठीक है। वो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पहली है राजस्थान, वैसे तो राजस्थान में बोला जाता है कि सूखा है, ठीक है, बट क्या है, ये फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं कुछ एरिया में, ठीक है, राजस्थान में पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट, हरियाणा में, क्लियर, बिहार में, पंजाब में, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इन स्टेट्स में पाए जाते हैं, इसके अलावा थोड़े बहुत और भी स्टेट्स हैं जिनमें ये
फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर सभी को? उसके बाद अगर हम थर्ड फॉरेस्ट की बात करते हैं, दैट इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ठीक है, अनक्लास फॉरेस्ट क्या होते हैं? ये अकेले गवर्नमेंट नहीं इनको मैनेज करती, इनके साथ प्राइवेट एजेंसीज भी मैनेज करती हैं। तो इसमें क्या होता है, कई बार कंट्रोल जो प्राइवेट एजेंसीज होती हैं उनके हाथ में चला जाता है और कई बार गवर्नमेंट के हाथ में भी चला जाता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको याद रखिए आप, कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है, मैनेज्ड by private as well as government या governmental agencies इनके दोबारा इसको संभाला जाता है। प्राइवेट एजेंसीज भी कई बार इसको संभालती है, कई बार दोनों मिलकर इसको संभालती है और कई बार सिर्फ गवर्नमेंट भी देख लेती है। तो प्राइवेट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और देखो, अब तक आपने जो दो फॉरेस्ट पढ़े हैं, ठीक है, एक आपने पढ़ा है आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पढ़ा है, एक आपने रिजर्व्ड फॉरेस्ट पढ़ा है, उसमें एंट्री नहीं है और उसको पूरा कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, ये दोनों आपने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें एंट्री नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की एंट्री नहीं है, ये बाहर के लोग एंटर नहीं कर सकते। और इसके अंदर इसका अपोजिट होगा, अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, ऑल ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउ इन देम, ठीक है, ऑल एक्टिविटीज, सॉरी कौन सी एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड इन देम। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड की जाती हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी आ जा सकता है, कोई भी रिसोर्स ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया जाता है जो वेस्ट लैंड होती है आपकी, ठीक है, बंजर जमीन जिसको बोलते हैं, जो किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, वेस्ट लैंड, दे आल्सो कंसिस्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेस्ट लैंड्स, ठीक है। और ज़्यादातर ये फॉरेस्ट कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, स्टेट्स नोट डाउन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका शॉर्ट में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड जो स्टेट्स पड़ती हैं वहाँ पर ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ गुजरात में पाया जाता है, पार्ट ऑफ गुजरात के अंदर, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा बहुत कहीं और भी पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे ये, पार्ट ऑफ गुजरात और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिलते हैं, क्लियर यहाँ तक। अब देखो आपने क्या पढ़े हैं, तीन आपने फॉरेस्ट आपने पढ़ लिए, ठीक है, अनक्लास्ड आपने पढ़ लिया, रिजर्व फॉरेस्ट आपने पढ़ लिया और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आपने पढ़ लिया। अच्छा, इसके अलावा एक फॉरेस्ट और होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ परमानेंट फॉरेस्ट। अब परमानेंट फॉरेस्ट किसको बोला जाता है, देखो जो सबसे पहले हमने फॉरेस्ट पढ़े थे, रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इन दोनों की कलेक्टिवली जो होता है, जो उनको कलेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। कौन कौन से दो फॉरेस्ट को अगर कलेक्ट करते हैं हम, पहला रिजर्व फॉरेस्ट और दूसरा क्या है आपका, दूसरा बताइए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो ये दो फॉरेस्ट जो होते हैं, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका एक नया फॉरेस्ट बनता है, दैट इज़ अ परमानेंट फॉरेस्ट। और अगर आप ये देखोगे, परमानेंट फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा आपको कौन सी स्टेट नज़र आ रही है यहाँ पर, ये कौन सी स्टेट है मुझे कमेंट्स में बताइए, ये कौन सी स्टेट है, हाँ जी, मध्य प्रदेश।
और यहाँ पर अगर माना जाता है कम से कम 75% जो है फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्या बोली, परसेंटेज कितनी बताई है, 75% ये वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्लियर? और इसको ज़्यादातर किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसको किया जाता है टिम्बर के लिए, टिम्बर एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें क्या करते हैं, टिम्बर का काम कौन शुरू करती है? गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने कुछ बेनिफिट्स के लिए टिम्बर्स यहाँ से लेती है, और जैसे रबड़ वगैरह हो गए आपके प्रोडक्ट्स, तो वो सब भी कहाँ से लेती है? परमानेंट फॉरेस्ट से लेती है। क्लियर? जबकि उनको कहाँ से लेना चाहिए? रिजर्व फॉरेस्ट से लेना चाहिए और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से लेना चाहिए। जब तो वही इसमें आ गया, कौन सी, परमानेंट फॉरेस्ट हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया कि गवर्नमेंट अपने यूज़ के लिए जिनको यूज़ करती है उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, और वो दोनों फॉरेस्ट इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट भी इसमें इंक्लूड होता है और आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी इंक्लूड होता है। और ये सबसे टोटल अगर इनको दोनों को कलेक्टिव इनको कर दिया जाए, तो ये दोनों फॉरेस्ट का अगर एरिया देखते हैं, तो 75% एरिया जो है इसी फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। क्लियर? मतलब रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ने कवर कर रखा है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया। और ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है? टिम्बर्स के लिए यूज़ होता है और अदर प्रोडक्ट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी? चलिए अब देखिए, हम अगली बात अगर हम करते हैं यहाँ पर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। कम्युनिटी कौन होती है? संगठन। ठीक है, जिन्होंने कंजर्वेशन के लिए खुद ही अपने आप से कम्युनिटीज़ बनाई हैं, उन कम्युनिटीज़ का क्या रोल प्ले उन्होंने किया है कंजर्वेशंस के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशंस के लिए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जो इसने कंजर्वेशन की बात की है, दैट इज़ अ सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान की बात कर रहा है। ये सरिस्का एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो विलेजर्स थे, जो आसपास के इस रिजर्व के आसपास के जो लोग थे, उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हम सरिस्का टाइगर रिजर्व को खुद बचाएंगे। ठीक है, क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वहाँ पर जो एरिया था, जो जहाँ पर ये रिजर्व बना हुआ था, उसके पास जो है गवर्नमेंट ने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज मिले होंगे, उनको निकालना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से जो है जो वाइल्ड लाइफ थी वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने खुद से ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद समझी कि हमें एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शन एक्ट चलाना चाहिए, जिससे हम इसको सरिस्का का जो टाइगर रिजर्व है इसको बचा सके। ठीक है, तब इन्होंने खुद से बीड़ा उठाया, जो गांव के आसपास के जो गांव थे उन लोगों ने, ठीक है, और कहा कि हम इन टाइगर्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें कहा कि हम किसी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम खुद से अपनी एक कम्युनिटी बनाएंगे और इसको रिजर्व करेंगे, टाइगर्स को रिजर्व करेंगे। अच्छा, हमने पीछे एक पढ़ा था बक्सर टाइगर के बारे में, हमने पढ़ा था कि बक्सर टाइगर को, टाइगर जो है वो भी क्या हो रहे थे, धीरे धीरे डिग्रेड होने लग रहे थे। ठीक है, क्यों हो रहे थे वो? क्योंकि उसके पास में जो एरिया था वहाँ पर माइनिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, और माइनिंग से जो जो दूसरी जगह से पक्षी आया करते थे वो भी वहाँ पर आना छोड़ देते हैं। इवन जो एशियाटिक एलिफेंट थे वो भी वहाँ से ख़त्म होने स्टार्ट हो गए थे, तो उन्होंने भी वहाँ से वो जगह छोड़ दी और कहीं और चले गए, है ना, माइग्रेंट हो गए वो। ठीक है, और जो माइग्रेंट होकर पक्षी आते थे उन्होंने भी वो एरिया छोड़ दिया। तो यही वो सेम वही चीज़ यहाँ पर हुई थी। क्या हुआ था कि इनको बचाने के लिए खुद जो गांव के लोग थे उन्होंने बीड़ा उठाया था कि प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया कि हम खुद से टाइगर्स को बचाएंगे और इसके ऊपर कोई भी आँच नहीं, क्योंकि पहले ही हमारे यहाँ पर टाइगर की जो है स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। ठीक है, और अगर हम इनको भी नहीं बचाएंगे तो किस जोन में चले जाएंगे? इंडेंजर जोन में चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ आ गया। तो ये कम्युनिटी ने खुद से बीड़ा उठाया था कंजर्वेशन के लिए। क्लियर, अब समझ में आ गया कम्युनिटीज़ किन को बोला गया है, कि जो जहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ मिल रही है वहाँ के लोग खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं अपनी, खुद से मान रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से प्यार कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज़ अ कंजर्वेशन, और किसके दोबारा हो रहा है? वो कम्युनिटीज़ के दोबारा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और काम किया, एक और काम क्या किया राजस्थान में, ऐसे से बहुत सारी चीज़ें हुई है। एक बात की गई है यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान के अंदर है। ठीक है, वहाँ पर भी जो 5
पांच विलेजर्स ने एक डिस्ट्रिक्ट बनाए कि यहाँ पर जितना भी वाइल्ड लाइफ होगा ठीक है उसको हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे। और उन्होंने कितना एरिया राजस्थान का डिक्लेयर किया कि 1200 हेक्टेयर जो होगा जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे उसको हम खुद प्रोटेक्ट करेंगे। और उसका नाम क्या रखा है, भैरोदेव देकाव सेंचुरी ठीक है। तो इन्होंने खुद से ही इसको नाम दे दिया गया और इसको एक धार्मिक उसके साथ जोड़ दिया गया कि जैसे कि भैरोदेव किसको बोला जाता है ठीक है, भैरोदेव के भगवान की तरह पूजे जाते हैं ना, तो उनको उसके साथ कनेक्ट कर दिया, एक रिलीजियंस के साथ कनेक्ट कर दिया और उसको सेंचुरी बना दिया गया और वहां पर वाइल्ड लाइफ को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया गया ठीक है। और बोला कि ये हम खुद से इसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे ठीक है। और यहाँ पर कोई हंटिंग नहीं होगी, कोई भी चीज़ किसी को मारा नहीं जाएगा, किसी भी जानवर को मारा नहीं जाएगा और आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट एनी आउटसाइड ठीक है। और क्या कर देंगे हम कि जो बाहर से लोग आते हैं ठीक है उसको बचाएंगे वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट कर, जो यहाँ पर आकर हंटिंग करते हैं मारते हैं अपने शौक के लिए ये सब काम करते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि हम पांच गांव मिलकर ये सब जो एरिया है 1200 हेक्टेयर का एरिया होगा जो फॉरेस्ट के लिए होगा वो सब हम खुद इसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम इसकी खुद ही देखभाल करेंगे, किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट्स नहीं होगी ना ही आउटसाइडर की होगी ठीक है। तो ऐसे क्या किया, एक कम्युनिटी बना ली उन्होंने, किस कितने गांव की, पांच विलेजेस की एक कम्युनिटी बनाए जिन्होंने खुद से उस एरिया को प्रोटेक्ट करने का बीड़ा उठाया कि हम खुद इसको प्रोटेक्ट करेंगे ठीक है। और इसको नाम रख दिया गया, अलवार डिस्ट्रिक्ट तो थी ही और उसको सेंचुरी नाम दे दिया गया, भैरोदेव दकाव ठीक है, समझ आ गया सबको। इसका सेंचुरी का नाम रखना है आपको याद और एरिया याद रखना है और ये कहाँ पर पड़ता है, अलवार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और अलवार डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है, राजस्थान में पड़ती है। क्लियर, समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत कोई डाउट, हुसैन अली ओके थैंक यू ओके। उसके बाद चिपको आंदोलन के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा कि औरतें जो हैं वो पेड़ के साथ चिपकी हुई हैं क्लियर। तो इसमें क्या हुआ था, चिपको आंदोलन ये सबसे पहले चलाया गया था हिमालय के अंदर ठीक है, हिमालय के अंदर चलाया गया था क्लियर। तो हिमालयस में चला गया, कई जगहों पर ये जो है आपके राजस्थान में भी हुआ है ठीक है क्लियर। राजस्थान के भी कुछ एरिया में ये चिपको आंदोलन में क्या था कि जो लोग पेड़ों को काट रहे थे, डिफॉरेस्टेशन कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने बीड़ा उठाया था ठीक है। और ये वुमेन्स ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, इन्होंने कहा कि हम पेड़ों को नहीं काटने दें क्योंकि वो फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो अफॉरेस्टेशन को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, डिफॉरेस्टेशन को नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, खुद से कम्युनिटी बनाई और अफॉरेस्टेशन के लिए काम करना शुरू किया और इन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटने हैं उससे पहले हमें मारना पड़ेगा आपको ठीक है, अगर आप हमें मारोगे तब आप पेड़ काट कर ले जा सकते हो। और वो पूरा टाइम वहाँ पर खड़े होकर वेट करते रहते हैं कि ये हट जाएंगी, लेडीज़ को हटा दिया जाएगा, पर वो वहाँ से नहीं हटती हैं, वो वहीं पर खड़ी रहती हैं ठीक है। अगर वो कहती हैं कि आप अगर ये पेड़ काटेंगे तो उसके लिए तो कोई रूल नहीं होगा या इनको कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा ठीक है, तो इन्होंने कहा अगर ये हमें मारेंगे उसके बाद ये पेड़ काटेंगे तो इनको पनिशमेंट होगी क्योंकि हमारे मर्डर के केस में ये अंदर चले जाएंगे। तो इसी वजह से क्या है, ऐसे वो जो ट्रीज थे वहाँ पर चिपकी खड़ी रही जिसकी वजह से औरतों को एक अच्छा मैसेज मिला सभी जनता को औरतों से कि हमें चिपको के थ्रू इन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को बचा लिया और जो पेड़ काटने वाले लोग थे, डीफॉरेस्ट करने वाले लोग थे, वो वहां से चले जाते हैं क्लियर। तो ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, तो कुछ सबसे पहले स्टार्ट किया था ये हिमालयस में स्टार्ट किया था चिपको मूवमेंट और फिर ये धीरे धीरे राजस्थान में भी कुछ एरिया में ये चिपको आंदोलन चलाया गया था क्लियर यहां तक, और ये सक्सेसफुल भी हुआ ठीक है। इससे क्या हुआ, पेड़ों को ये बचा पाए थे क्लियर, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, बीज बचाओ आंदोलन, ये भी एक कम्युनिटी ने बीड़ा उठाया था बीज बचाओ आंदोलन और इसकी शुरुआत की थी विजय ने ठीक है, विजय नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था विजय जारधर ठीक है, उसने इसको स्टार्ट किया गया था। बीज बचाओ को इंग्लिश में बोलते हैं सेव द सीड ठीक है, सेव द सीड भी इसको कहा जाता है। ये एक मूवमेंट था और ये 1980 में इसको चलाया गया था ठीक है।
और यहाँ पर एक्टिविटीज जितनी भी हुई थी ये आपकी हैनुअल रिवर वैली के पास हुई थी, जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट आपकी थी वो थी तेहरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये तेहरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ती है, ये उत्तराखंड में पड़ती है, इंडिया के उत्तराखंड एरिया में, ठीक है। और ये व्यक्ति कौन था जिसने ये बीज बचाओ आंदोलन चलाया था, ये था विजय जारधर, ठीक है, जारधर। अब इसने किस चीज़ को प्रमोट किया था, इसने ट्रेडिशनल नॉलेज को, विजडम को इसने प्रमोट किया था, चलाकी, मतलब चलाकी तो नहीं कहते, समझदारी इसको कह सकते हैं, और ज्ञान इसके पास था, इसको एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, तो इसने उसको यूज़ किया, ठीक है, और प्रैक्टिस की। इसने बोला कि हमें ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को ही अपनाना चाहिए, ठीक है। और इसने सबसे ज़्यादा क्या किया है कि अगर आज हम बीज बचा लेते हैं तो नेक्स्ट फ्यूचर में भी यही बीज हमारे काम आ सकते हैं, तो इसको कहा गया है बीज बचाओ आंदोलन, कि जितने ज़्यादा हम बीजों को कंजर्व करेंगे, बचाएंगे, उतने ज़्यादा हमारे फ्यूचर में हमारे फॉरेस्ट भी होंगे और पेड़ पौधे भी होंगे, ठीक है, सब होंगे। तो ये एक तरीका था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, ठीक है, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। बीज बचाओ आंदोलन क्या है, ये कब चला था, किसने चलाया था, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ती है, उत्तराखंड में पड़ती है, और उत्तराखंड कहाँ, किस इंडिया का ही एक हिस्सा है, ठीक है, समझ आ गए सभी को। अब देखो, अब इसने कहा है ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट क्या है, ज्वाइंट का मतलब क्या है, ज्वाइंट का मतलब क्या होगा, जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पर दो कम्युनिटीज़ जुड़ गई, एक तो आपकी जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो उनके साथ आ गई, और साथ में गवर्नमेंट ने भी अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी स्टार्ट कर दी, तो इन्वॉल्व हो गई लोकल कम्युनिटीज़, इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, एंड द मैनेजमेंट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ अ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। अब देखो, बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हो रहा था फॉरेस्ट का, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट खराब हो रहे थे, डिग्रेड हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या है, नुकसान हो रहा था, ख़त्म होते जा रहे थे, वाइल्ड लाइफ भी ख़त्म हो रही थी, तो इन्होंने डिग्रेडेशन को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया, हाथ मिला लिया, ठीक है, खुद ज्वाइंट हो गए एक दूसरे के साथ, ज्वाइन कर लिया लोकल कम्युनिटीज़ ने, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिए, दोनों ने ज्वाइंट किया, ताकि क्या है, हम इसको बचा सके, हम कंजर्वेशन कर सके फॉरेस्ट की, ठीक है। और ये कब हुआ, 1988 में किया गया था, स्टेट ऑफ ओडिशा पास्ट फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर JFM, JFM का मतलब क्या है, ये है आपका ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, तो आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं JFM, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो इन्होंने 1988 में किया था, और ये उड़ीसा में पास किया गया था रेजोल्यूशन, ठीक है, और किसके लिए किया गया था, ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट के लिए किया गया था, क्लियर। और यहाँ पर ज़्यादातर किसने जिम्मा लिया, अपना लोकल जो विलेजर्स थे उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन बनाए, और साथ में गवर्नमेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व किया है सारी एक्टिविटीज़ में, और सारी एक्टिविटीज़ किसके लिए गई, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया, क्लियर यहाँ तक सबको। और रिटर्न में इनको क्या मिलता था, जो लोकल लोग होते थे गवर्नमेंट उनको परमिशन देती थी कि हाँ ठीक है, आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, कि जो लोकल लोग हुआ करते थे वो फॉरेस्ट में जा सकते थे, ठीक है, नॉन टिम्बर बेनिफिट्स उनको मिला करते थे, और जो टिम्बर हार्वेस्ट जब भी की जाती थी उनको उसमें शेयर भी दिया जाता था, ठीक है, जैसे टिम्बर पहले लगा हुआ है उसको नहीं काटते थे, उसके अलावा जो अदर चीज़ें उनको बेनिफिट्स दे सकते थे वो सारे उनको बेनिफिट्स दिए जाते थे, बट जब टिम्बर कटता था उनको उसमें शेयर भी दिया जाता था, तो इसको बोला जाता है सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, ठीक है, टिम्बर जब कटेगा तो आपको उसमें शेयर जरूर दिया जाएगा, क्योंकि आपने उसकी सुरक्षा की है, के लिए, तो ये चीज बोली गई है ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। तो दोनों ने मिलकर काम किया, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए काम किया, जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी और लोकल कम्युनिटीज भी इन्वॉल्व थी, लोकल कम्युनिटीज उनकी केयर किया करती थी। उड़ीसा में ये चीज हुई 1988 में, ये ठीक है रेजोल्यूशन हुआ JFM का, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो एक्टिविटीज होती थी, प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज होती थी, वो लोकल लोग जो विलेजर्स होते थे वो लोग करते थे इसकी प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता था, गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता था, और बाद में गवर्नमेंट उनको रिटर्न में क्या देती थी लोकल लोगों को, वहाँ पर जो नॉन टिम्बर चीज़ें उनको दिया करती थी, और जब टिम्बर कटता था उसमें कुछ शेयर भी उनको दिया जाता था, ठीक है, तो इसको बोला गया है सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब देखो आपका जो है एक और है, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है,
सेक्रेट ग्रुप्स होता क्या है? देखो जो चीज़ हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ को बचाना है हमने, ठीक है, फॉरेस्ट को हमने बचाना है, इसी वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए हमने इसको क्या कर दिया, किसी धार्मिक उसके साथ इसको जोड़ देना। जैसे कि आप कई बार देखते हो ना कि आपकी नेचर की आप पूजा करते हो, अगर आप पुराने जो ग्रंथ है उनको उठाकर आप देखते हो या अपने इतिहास को उठाकर देखते हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में यही देखने को मिलेगा कि जो नेचर होती थी उसकी लोग पूजा किया करते थे, ठीक है। वर्शिप, नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीव बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट ऑल क्रिएटेशंस ऑफ द क्रिएटेशन ऑफ द नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। सच बिलीव्स हैव प्रिजर्व्स सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टाइन फ्रॉम कॉल्ड सेक्रेड ग्रुव्स दोज फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। तो क्या बात कही गई है कि पुराने टाइम में आपने देखा है कि लोग क्या करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे, ठीक है। अब ये नेचर की पूजा जो करते थे और उनको बचाते, अब देखो जिससे जिसकी आप पूजा कर रहे हो तो उसको तो ऑब्वियसली आप उसको बचाओगे उसको, ठीक है, उसको प्रिजर्व करोगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वर्जिन फॉरेस्ट जो थी उस टाइम में लोग पूजा करते, जैसे कि अगर आप एग्जांपल लगा कर देखिए, वो एग्जांपल आगे भी आएगा आपके, पीपल की अगर आप बात करते हो, है ना, पीपल का पेड़, बनाना का पेड़, तो कई लोग हैं आज भी पूजा करते हैं उनकी। तो इसको किस में डाल दिया, इसको क्या बोलेंगे कि जिस चीज़ को हम कंजर्व करना चाहते हैं उसको एक धार्मिक आस्था के साथ जोड़ देना, दैट इज अ सैक्रेड ग्रुव्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं सैक्रेड ग्रुव्स, उसको भगवान मानना या देवी देवताओं के रूप में फॉरेस्ट को पूजना, ठीक है, उसको बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये कह रहे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनको देवी देवताओं के रूप में या उनके वाहन के रूप में या उनको पेड़ के रूप में पूजना स्टार्ट किया गया, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि कुछ टाइम में होता था कि जो मुंडास हुआ करते थे और जो संथाल हुआ करते थे छोटा नागपुर में, रीजियन वर्शिप महुआ एंड कोदम्बा, ठीक है, कदम कदम जो ट्री हुआ करता था, कदम ट्री होता था, एक होता था महुआ, जो महुए का आपने फूल भी सुना होगा, फूल होता है उसका, तो इसकी बहुत ज़्यादा पूजा करते थे लोग, ठीक है। और ये कहाँ पर है कि जहाँ पर इसकी पूजा होती थी, एक तो आपके मुंडास होते थे, मुंडास कौन है, ये ट्राइबल एक जाति है, ठीक है, संथाल भी ट्राइबल है, ठीक है। तो उनकी इन्होंने बात की कि छोटा नागपुर पे ये जो ट्राइबल्स होते थे वो मिलते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं रीजन में, ठीक है, मुंडास और संथाल छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं और वो किसकी पूजा करते हैं, ये महुए के फूल की और जो कदम ट्री होता है उसकी पूजा करते हैं। तो ये क्या है, ये किसको प्रमोट कर रहे हैं, सेक्रेट ग्रुप्स को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ हमने ट्री को बचाने के लिए हमने क्या है उसकी पूजा करना स्टार्ट कर दिया, और ऐसे पूजा करेंगे तो हम इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे। क्लियर, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट चीज क्या बताइए कि ट्राइबल्स की बात की गई है उड़ीसा के अंदर और बिहार, वर्शिप दैट टर्मरी टर्मरिंट ट्री और जो मैंगो ट्री होते हैं ड्यूरिंग वेडिंग, तो वेडिंग के टाइम में एक टर्मरिंट ट्री होता है और एक मैंगो ट्री होता है, उसको पूजा जाता है और ट्राइबल्स इसको पूजते हैं। और कहाँ के ट्राइबल्स इसको पूजते हैं, उड़ीसा के ट्राइबल होते हैं जो, और बिहार के जो ट्राइबल्स होते हैं वो इसकी पूजा करते हैं, ठीक है। टर्मरिंट और मैंगो ट्री की पूजा की जाती है वेडिंग के टाइम में, जो शादी वगैरह होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको क्या बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो हैं ट्राइबल्स, मोस्टली आपको ट्राइबल्स ही देखने को मिलेंगे जो आपकी नेचर को पूजते हैं, आज भी उसको पूजते हैं, ठीक है। और ये एक तरीका है अपने एनवायरनमेंट को बचाने का, कंजर्व करने का। क्लियर सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद और बताया इन्होंने कि जैसे हम पीपल का और बनियान, बनियान ट्री हम देखते हैं, ठीक है, इसको भी पूजा जाता है, ठीक है। अभी बात की थी ना कि पीपल का और बनियान जो ट्री होता है उसको भी पूजा जाता है, उसको भी एक सेक्रेट ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और कई बार आप देखते हो ना माउंटेन पीक्स, प्लांट्स, एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड, तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एनिमल्स की बात करें, चूहा किसका वाहन है, गणेश जी का वाहन है ना, और पिकॉक जो है वो किसका वाहन है, तो आप ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स आप देखते हो जो किसी देवता के वाहन रहे हैं पुराने टाइम में, ठीक है ना।
तो इनको किससे अटैच कर दिया गया है कि धर्म से, कि इसको नहीं मारना चाहिए। स्नेक का अगर आप देखते हो, वो शिव उनको अपने गले में डाल कर रख, तो ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो हमारे पीछे, जो हमारे गॉड और गोडेसेस के साथ अटैच हुआ करते, तो उनके साथ कनेक्ट करके इसको क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया कि इनको हमें नहीं मारना चाहिए। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स की बात की गई, पीपल का पेड़ जो होता था, ठीक है, और कृष्ण जी की भी बात की गई है, वो भी एक ट्री को बहुत ज़्यादा मानते थे उस उनके टाइम में दिखाया गया उसको। ठीक है, और जो है आपके जैसे माउंटेन पीक की बात की गई है, जैसे शिव ज़्यादातर क्या है माउंटेन्स एरिया में बोला गया है कि वो ज़्यादातर पहाड़ी एरियो में रहा करते थे, तो ऐसे ये सब क्या कर दिया गया, क्लोजली प्रोटेक्शन के लिए एक कनेक्ट कर दिया गया इसको सेक्रेड क्वालिटीज़ के साथ, कि ये भी हमारे क्या है, सेक्रेड क्वालिटीज़ में आते हैं, हमारे माउंटेन्स भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? और नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया गया है कि यहाँ पर ज़्यादातर अगर आपको देखोगे कि टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स में आपको बहुत सारे ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो टेम्पल्स में क्या होता है, टेम्पल्स में वो ट्री देखने को मिलते हैं, तो उनको भी एक ट्रीटेड करा जाता है एक पार्ट में, कि टेम्पल डिवोर्स करती है कि हमें इनको बचाना है, क्योंकि ये टेम्पल्स में प्लांट्स ज़्यादातर पौधे या ट्री आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि बनाना का जो ट्री है आपको ज़्यादातर मंदिरों में देखने को मिलता है, पीपल का जो पेड़ है आपको देखने को मिलता है, तो इनको इस तरीके से भी बचाया गया है। ठीक है, क्लियर सबको? उसके बाद इसने बोला है कि बिश्नोई विलेज है राजस्थान के अंदर, ठीक है, बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, हर्ड्स ऑफ ब्लैक डक, नीलगाय और पीकॉक कैन बी सीन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द नोबडी हार्म्स देम। अब ये क्या करते हैं कि एक बिश्नोई विलेज है राजस्थान के अंदर, वहाँ के लोग खुद ही इनकी प्रोटेक्शन करते हैं, इनको पालते हैं। जैसे कि उनके यहाँ पर देखी गई है कि ब्लैक बक मिली है वहाँ पर, ठीक है, नील गाय उनको, उसको वो पालते हैं, ठीक है, पिकॉक वहाँ पर देखने को, तो इससे क्या देखने को मिल रहा है सॉरी देखने को क्या मिल रहा है कि खुद लोग जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए खुद उनको पालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है कंजर्वेशन का, समझ आ गया सबको? तो ये किसके द्वारा की जा रही है, जो कंजर्वेशन है वो कम्युनिटीज़ के द्वारा की जा रही है, कि जो स्पीसीज जिस एरिया में पाई जाती हैं वहाँ के लोग खुद उनके लिए काम करते हैं, उनको बचाते हैं। क्लियर, तो ये आपका चैप्टर हो जाता है ख़त्म। क्लियर, तो ये आज आपने पढ़े हैं, इसके टाइप्स पढ़े हैं, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन आपने पढ़ा है कि कम्युनिटी ने क्या क्या एफर्ट डाले हैं आपके फॉरेस्ट को बचाने के लिए और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। क्लियर, तो आज आपका ये लास्ट पार्ट था, ये ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, दैट इज़ अ नेशनलिज्म इन इंडिया, तो वो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, और नोट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, DPPs मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस DPPs मतलब डेली प्रैक्टिस जो पेपर होता है आपका वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, और न्यू अपडेशन के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपकी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो।